तो स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। आज हम लोग एक ऐसा टीम करेंगे जो पानी में भी चलता हो और ज़मीन पर भी चलता हो, बट इसका अटैक जो पानी में है वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू दी अदर क्रिचर या फिर डाइनो जो पानी में रहते हैं। ये चारों तरफ अटैक करता है एक ही राउंड में, पूरा गोलाई में अटैक करेगा बट चारों तरफ, और बाकी जो डाइनो होते हैं या फिर क्रीचर होते हैं सिर्फ एक तरफ किसी एक ही दिशा में अटैक कर सकता है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्रैप वगैरह प्रिपेयर कर लिया और हमें साथ ही साथ फिश मीट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे कुछ फिश मीट भी मैंने ले लिया। तो यहाँ पे ट्रैप मैंने इसलिए ले रखा है कि अगर वो मुझे अटैक करने लगा तो यहाँ पे ट्रैप काम आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं ट्रैप बिछाऊंगा और फिर उसके बाद उसे हिट करूँगा, क्योंकि ये अग्रेसिव क्रीचर्स होते हैं। अगर आप ज़्यादा पास जाएंगे तो भी अटैक करेंगे, और साथ ही साथ अगर आप इन पे अटैक करते हैं तो भी ये रिटर्न में आपको अटैक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर कैसे पानी में बैठा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख नहीं पाता इसको, बट ये राइट साइड में पानी में यहीं तैर रहा था। ये देखिए यहाँ पर ये रहा, और यहाँ पर मैंने इसे हिंट दिया। यहाँ पर पूरा ट्रैप प्रिपेयर नहीं हो पाया था, बट आप लोग क्या करिएगा, ट्रैप को पूरा पूरी तरीके से प्रिपेयर करके ही इसको नॉक करने की कोशिश करिएगा। ये देखिए एक ही बार में ये डाउन हो गया, क्योंकि इसका लेवल बहुत ज़्यादा लो था, ये लेवल 15 का था। बट मैं कहूँगा कि कोई भी टीम हो आप लोग स्लो लेवल यानी कि कम लेवल का टीम करें और उसको एक पोटेंशियल टच दे के 15 से 20 लेवल आराम से कर सकते हैं। 15 से 20 नहीं तो 4 से 5 आराम से हो सकता है। तो कोशिश करिएगा, यूज करिएगा, ये ट्रिक बहुत काम आएगी। लो लेवल रहेगा तो मल्टीप्लेयर में अगर मर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए अनदर टीम कर लेंगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब तक काम हो तब तक लो लेवल टीम करिए। मल्टीप्लेयर में बहुत ही हार्ड होता है, मैं खेला हूँ बहुत बार मल्टीप्लेयर। यहाँ पर देखिए मैंने इसे फिश मीट दिया था, ये 2.5 जा रहा एक बार में। तो मल्टीप्लेयर में यही होता है कि अगर जब तक आप ऑनलाइन हो कोशिश करते हो बचा के रखने की, तब तक बचा रहेगा और फिर उसके बाद वो मर जाता है, कोई ना कोई उससे मार ही जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाली बात छोड़ते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। तो ये देखिए एक बार में 2.5 जा रहा है, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना टाइम लेने वाला है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ, बट मुझे कोई बड़ा क्रीचर नहीं दिखता पानी वाला जिससे मुझे जो है फिश प्राइम मीट मिल सके। कोई बात नहीं, अब हम लोग इसी से टेम करेंगे इसको। हमें इसे स्मूथ ब्लेम देना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा, दो बार में 5% हुआ। तो आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं ये कितना स्लो होने वाला है। तो अभी तक इस वीडियो में कहीं भी कट नहीं था, बट थोड़ा सा फास्ट था, 1 to 2 मिनट में। ये देखिए यहाँ पर एक 2% और बढ़ गया, 2.5%। ये 2 मिनट के आसपास आराम से 10% हो जा रहा। तो ये थोड़ा सा फास्ट भी है, थोड़ा सा स्लो भी है एक तरह से कह सकते हैं, बट जो भी हो क्रीचर अच्छा है, पानी में भी काम करेगा ज़मीन पर भी काम करेगा, दोनों तरीके से ही डेंजरस है। तो अब वेट करते हैं, अब इसे स्मूथ ब्लेम दे देते हैं, देखते हैं। और इसे मैंने स्मूथ ब्लेम दे दिया 15 गुना। यहाँ पे 15 गुना मैंने इसे स्मूथ ब्लेम दे दिया। अभी यहाँ पे देखिए मैं नाइट हो रखी है और ये एक बार में 10 से 47 गया है, आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं, यानी कि टोटल 40% के आसपास गया है, जो कि एक तरह से काफ़ी अच्छा है अगर आप 15 गुना फास्ट स्मूथ ब्लेम यूज कर रहे हैं तो। मुझे पता है स्मूथ ब्लेम मिलना हार्ड है एक तरह से, बट हम लोग अगर लावा केव का मिशन करें तो आसानी से मिल जाएगा आर्टिफैक्ट से। तो लावा केव जाना भी आसान है और आर्टिफैक्ट लाना भी आसान है। अगर आप लोग चाहें तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा आपको बोला कह रहा थोड़ा सा आपको क्रॉसबो और 2-3 हुक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अगर फास्ट तरीके से रनिंग करके जाएँ अंदर और बाहर आएँ तो आप इजीली ऑब्टेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा एटीएम हो चुका है पूरी तरीके से। अब बारी है इसके सैडल की। इसका वेट 351 है, जो कि एक तरह से समझ लें अच्छा ही है। थोड़ा सा इसको लेबल अप कर देते हैं ताकि थोड़ा सा वेट वगैरह और बढ़ जाए।
तो यहाँ पे मैंने इसे पोटेंशियल डस्ट दे दिया। अब इसका थोड़ा सा वेट वगैरह बढ़ा देते हैं, हेल्थ वगैरह, क्योंकि हमें स्टेमिना की ज़रूरत पड़ेगी इसके। और ये मैंने इसे पूरा 60 लेवल अप कर दिया। अब ये हो गया टोटल 81 लेवल का। अब इसका सैडल वगैरह देख लेते हैं हम लोग। तो इसका सैडल मिलेगा हमें लेवल 14 पे, जो कि हमें स्मिथी से क्राफ्ट करनी पड़ेगी। तो स्मिथी की बजाय मैं अपना आर्ची यूज करूँगा। यहाँ पे देखिए, और इसको क्राफ्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हाइट, इग्नोर और साथ साथ कुछ फाइबर की। और यहाँ पे हमारा सैडल क्राफ्ट हो चुका है। ये देखिए, ये मैंने बोला था ना, ये अग्रेसिव क्रिएचर होते हैं। ये इधर उधर कहीं चला गया, आई थिंक ये पानी में चला गया। अभी फिर से बुलाना पड़ेगा। ये देखिए, ये रहा, ये बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, इनको पैसिव करके रखना पड़ेगा आई थिंक। तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। देखिए, तब से गोल गोल चक्कर मार रहा। अब बारी है इसको सैडल देने की। अब इसका हेल्थ धीरे धीरे फुल हो रहा, जबकि मैंने इसे लेवल अप किया था इसीलिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने इसको सैडल दे दिया और ये रेडी हो गया टीम पूरा। अब हम लोग देखते हैं इसका अटैक वगैरह। ये देखिए, ये पानी में तैर रहा। लेफ़्ट साइड की तरफ से स्वैप करेंगे आपकी तरफ, तो ये पूरा घूम के ऐसे चारों तरफ मारेगा। ये देखिए पानी में कैसे घूम रहा चारों तरफ से। और राइट साइड से डबल टैप करेंगे तो मुझे अटैक करेगा। ये देखिए, मुझे ऐसे अटैक करेगा राइट साइड से डबल टैप करने पे। चलिए थोड़ा सा बीच में चलते हैं, जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी मछलियाँ हैं, अब इसे मारते हैं। देखिए, ये देखिए लेफ्ट साइड से स्वैप करने पर देखिए कितना फास्ट तरीके से, देखिए ये देखिए कितना फास्ट तरीके से सभी को नॉक दे रहा। और साथ ही साथ जब इससे हिट करेंगे तो जहाँ की वहीं एक तरह से समझ लीजिए कि स्टंट रह जाएंगी, सब खड़ी रह जाएंगी, शॉक में आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा इसने फिश मीट कलेक्ट कर लिया और साथ ही साथ इसका हेल्थ भी पूरा हो गया। ये देखिए, लेफ्ट साइड से स्वाइप करने पे आपकी तरफ तो ये घूम के अटैक करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।